तो देखो गाइज, आजकल तो हर एक प्लेयर थ्री फिंगर खेल लेता है, बट फिर भी बहुत सारे बंदे थ्री फिंगर नहीं खेल पाते। क्या बोला तूने? और वो थ्री फिंगर खेलना चाहते हैं। तो गाइज, वो थ्री फिंगर कैसे खेल सकते हैं? तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज लेके आया हूँ, अगर आप इनको फॉलो करके गेम प्ले करते हो, थ्री फिंगर को सीखते हो, तो आप बहुत जल्दी थ्री फिंगर सीख जाओगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एक लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब भी आप थ्री फिंगर फोर फिंगर खेलना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको अपना एक बेस्ट कस्टम एचयूडी बनाना है, एक इजी सा कस्टम एचयूडी बनाना है, ना कि हार्ड, ठीक है? क्योंकि अभी आप थ्री फिंगर सीख रहे हो ना, तो धीरे धीरे आप उसको हार्ड बना सकते हो। और जब भी गाइस आप कोई न्यू कस्टम एचयूडी बनाओ, तो उसको हमेशा के लिए रखना है, कभी भी चेंज नहीं करना है, जब तक आप थ्री फिंगर ना सीख जाओ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इसके बाद जो हमारी सेकंड टिप है, तो देखो यार, जब भी कोई बंदा थ्री फिंगर में खेलना स्टार्ट करता है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, एंड कुछ दिन ट्राई करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं थ्री फिंगर नहीं खेल सकता, और वो फिर से टू फिंगर या फिर जो उसका नॉर्मल था वो उसी में आ जाता है। हाँ। तो मैं आपको बता दूं, जब गाइस मैंने थ्री फिंगर में खेलना स्टार्ट किया था, तो मेरे को भी ऐसा ही लगता था, बट आज आप खुद देख सकते हो भाई मैं कितना ज्यादा बढ़िया खेल रहा हूँ, मैं भी तो आपकी तरह ही था ना। तो गाइस अभी एक्सरसाइज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले अपने कस्टम एचयूडी में जाना है, और यहाँ पर आपको अपने कस्टम एचयूडी के सारे बटन्स की ट्रांसपेरेंसी एकदम 100 कर देनी है, ठीक है? अब गाइस आपको क्या करना है, आप थंब से तो खेलते ही थे, ठीक है? मैं अपने कस्टम एचयूडी का आपको एग्जांपल देता हूं। तो यहां पर गाइस मैंने सिट बटन और जंप बटन को मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया है, ठीक है? तो मेरे को इनकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यार ये पहले मेरे राइट साइड में थे, तो आपको भी इसी तरह से होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने थंब की प्रैक्टिस करनी है, और ये जो जंप बटन है, सिट बटन है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जंप बटन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई भी घर पकड़ लेना है, और उसमें गाइस आपको इस तरह से खिड़कियों से जंप करते हुए इधर उधर भागना है, मतलब जंप करते रहना है, ठीक है? लगातार जितनी फास्ट आप जंप करते रहोगे, उतनी गाइस आपकी मसल मेमोरी इंक्रीज होगी, और गाइस आपको जंप करना आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपको इसी तरह से सिट बटन की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि सिट रन, और एक बार में आप जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, जितना हो सके, ठीक है? इससे गाइस आपकी मसल मेमोरी इंक्रीज होगी, तभी गाइस आप थ्री फिंगर सीख पाओगे। अब गाइस आपको क्या करना है, जब गाइस आपको जंप बटन और सिट बटन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अब आपको सिट, जंप और रन, इन तीनों के कॉम्बो को एक साथ यूज करना है, यानी कि सिट रन जंप सिट रन। तो गाइज मैंने तो इसी तरह से प्रैक्टिस की थी, तभी गाइज मैं बहुत जल्दी थ्री फिंगर सीख गया था। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, जब गाइज आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी जो थर्ड फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, वो गाइज हमेशा ऊपर यहाँ पर रहनी चाहिए, आप हैंड कैम में देख सकते हो, ये यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। और इसी तरह से गाइज आपको अपनी इंडेक्स फिंगर की प्रैक्टिस करनी है, और जब गाइज आप अपनी इंडेक्स फिंगर की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको अपने हाथों के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, आपको एकदम रिलैक्स होके इन बटन्स के ऊपर टैप टैप करना है। जैसे गाइस यहाँ पर मेरा क्विक वेपन स्विच बटन, ग्लूवल बटन एंड लेफ्ट फायर बटन है, तो सबसे पहले मैं इन तीनों बटन की प्रैक्टिस करूंगा, जैसे गाइस मैंने थंब से की थी, ठीक है? तो इनकी प्रैक्टिस करने के बाद, जब गाइस आपको इन तीनों बटन्स की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके बाद आपको इन तीनों के कॉम्बो को एक साथ यूज करना है, मतलब कि सबसे पहले आपने ग्लूवल बटन के ऊपर टैप किया, उसके बाद लेफ्ट फायर बटन के ऊपर टैप टैप किया, और उसके बाद क्विक वेपन स्विच बटन से ग्लूवल को छोड़ दिया, ठीक है? इसी तरह से गाइस आपको इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है, और जो आपका थंब है वो यहाँ पर रहना चाहिए, आप हैंड कैम में देख सकते हो। तो गाइज आपको इनकी एक्सरसाइज तब तक करनी है जब तक आप इनको अच्छे से सीख ना जाओ, आपको हर एक बटन के ऊपर टैप करना ना आ जाए, मतलब चाहे आप एक दिन लगाओ, दो दिन लगाओ, आपको सबसे पहले अपने थंब की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इंडेक्स फिंगर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जब गाइज आपको इन सारे बटन्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, तो अब आपको एक और एक्सरसाइज करनी है, जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो देखो, अगर आप फ्री स्टाइल खेलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने क्विक वेपन स्विच बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जंप बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? तो आप इस तरह से इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप आराम से इसको सीख जाओगे। और उसके बाद अगर आपको ग्लूवॉल लगानी है, तो सबसे पहले आपको अपने ग्लूवॉल बटन के ऊपर टैप करना है, उसके बाद थंब से सिट बटन के ऊपर टैप करना है, और फिर लेफ्ट फायर बटन पर टैप कर देना है। इन प्रोसेस को आप धीरे धीरे कर सकते हो, एकदम स्लो में आराम आराम से कर सकते हो, बट जब आप इसको करते रहोगे, मतलब लगातार करते रहोगे, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है? तो इसी तरह से गाइज आप किसी भी कस्टम एचयूडी में अपने हाथ को भी सेट कर सकते हो, वो भी बहुत ही जल्दी। वैसे गाइज आप कितने फिंगर खेलते हो, टू फिंगर, थ्री फिंगर या फिर फोर फिंगर, कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।